भारतवासी एक गलती कर देते हैं जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां नाम अलग है, आइडेंटिटी ही अलग है। एक निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक आकारी देव पुरुष, ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, सदा कल्याण करने वाले परम पवित्र, शांति के दाता, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। ऑक्यूपेशन भी अलग, आइडेंटिटी अलग और नाम भी अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है भारत में, ओम नमः शिवाय का मंत्र, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा? एक है तो कहना चाहिए। शंकर को पूरा परिवार के साथ दिखाया, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिक के दो बच्चे, शिव निराकार स्वरूप में ही दिखाया जाता है। शंकर की एक ही मुद्रा में अधिकतर इसको दिखाया जाता, तपस्या की मुद्रा। किसकी तपस्या कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, इसीलिए वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? शिव का ध्यान किया। एक पिता है, एक पुत्र है, तीन लकीर, आदि मध्य अंत का ज्ञाता। शिवलिंग के ऊपर ये तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला त्रिनेत्री, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और ये शिवलिंग की पूजा में ही तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए। अर्थात परमात्मा त्रिमूर्ति है, इंग्लिश में भी कहा गॉड फादर, द फादर ऑफ जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, एक परमेश्वर के लिए कहा जाता है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय।